कैसे हो, क्या चल रहा है लाइफ में, कोई नई ताजा है? साइंस में फेवरेट सब्जेक्ट मेरा था, मैं बायोलॉजी नहीं बोलूंगा, तीनों सब्जेक्ट फेवरेट थे मेरे, नंबर किसी भी नहीं आते थे बस। आज फिजिक्स का टेस्ट है। आर यू सीरियस? आई डोंट नो एनीथिंग एक्चुअली। तुम फिर आ गए एक ऐसा टॉपिक पकड़ के जो मुझे नहीं आता है। देखो, मुझे फिजिक्स के बारे में जितना पता है उससे ज्यादा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के करंट बॉयफ्रेंड्स के बारे में पता है। भौतिक ज्ञान में हम नहीं है महान भाई। ये तो मुझे ना पता हुआ ना, लानत है मेरे पे, मैं सही बता रही हूँ। बेड़ा गर्क हो गया भाई यहाँ पे भी। लाइट ईयर्स, वेट, व्हाट आर द ऑप्शंस अगेन? टाइम, डिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ वेट बिकॉज़ इट्स वेरी लाइट, नाम में लिखा हुआ है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टाइम, 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 हां, इट्स अ यूनिट ऑफ टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है लाइट ईयर, की धरती से चंदा मामा कितने दूर है, वो लाइट ईयर में कैलकुलेट होगा। डिस्टेंस, अरे यार, डिस्टेंस का यूनिट है। अब जीत मुझसे कुछ लाइट ईयर दूर नहीं, चंद मीटर के फासले पे है, जीतूंगा मैं। ये तो काफी डिफिकल्ट है यार। मुझे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, मैं क्यों ही जानूंगा सूरज से कितनी देर में लाइट आ रही है? वो डिपेंड करता है, अगर सर्दियां होती हैं तो आप कितनी देर वेट करो, आती नहीं है। गर्मियां होती है तो आप एसी से बाहर कदम रखो, एकदम भस्म हो जाते हो। सूरज आता है सुबह और रहता है दोपहर तक, बस आई थिंक लाइट उसी टाइम आती है हमारे पास। ये क्या मिनट मिनट लगा रखा है यार तुमने। डूड, व्हाट आर दीस क्वेश्चंस मैन, आई डिडंट इवन थिंक एनी ऑफ दीस वुड बी द ऑप्शंस। लाइक मैं तो बाहर जाता हूं, आई एम फकिंग सोकिंग इन दैट विटामिन डी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। आई थिंक 2 मिनट्स, लेट्स गो फॉर 4 मिनट्स, प्लीज प्लीज। 8 मैन, आई विल से 8, या आई विल से 8, आई विल गो विद 2 मिनट्स, सो आई विल गो विद 8 मिनट्स। Oh shit, this is a tukka, dude. 8 minutes, yeah, itna time lagta hai kya light ko aane mein? Shit, beech mein kuch laga rakha hai kya? So metals are good conductor of electricity, so we should just be happy. हमें पता नहीं लगाना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, बस खुश होना चाहिए, good है. Shit, I've totally forgotten this, man. I'm sure sometime in school they probably taught us this. Yes, yeah, all of the above wale question mein meri hamesha banti bajti hai. Kuch bhi nahi ho raha option sunke, kuch bhi nahi ho raha. Mind batti jali nahi rahi dimag ki. Dekho, pehla to pakka sahi hai ki free electrons hote hain tabhi usme se current pass hota hai. Lightly packed hote hain isiliye current shayad pass ho jata hai. High melting point hota hai metals ka? Ha, all of the above hoga fir. All of the above. Iska answer hai all of the above. All of the above. Chalo. All of the above. मुझे क्या पता है साउंड वेव्स कहां से आती हैं, कहां से जाती हैं? बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत ज्यादा। This sounds like an alien language to me, dude. This is like what जादू talks about, you know. भाई ट्रांसवर्स क्या होता है भाई? वर्ड्स तो गानों के होते हैं जो स्टैंजा से पहले आते हैं। पोलराइज्ड, नो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल, तुक्का मारेंगे, लॉन्गिट्यूडनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, आई गो विद लॉन्गिट्यूडनल मैन। क्या मैं वापस जा सकता हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। अल्ट्रा या इंफ्रा में से है कुछ? सुपरसोनिक आई थिंक, जो बहुत ज्यादा साउंड होता है वो होता है। अल्ट्रासोनिक उससे थोड़ा कम। सो इट्स ईदर इंफ्रा और ऑडियो साउंड। ऑडियो साउंड साउंड लाइक समथिंग समबडी जस्ट मेड अप। 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड फ्रीक्वेंसी को हम सुन नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, या इंफ्रासोनिक साउंड्स, आई थिंक ऑडियो साउंड। बैम, मेरा इंफ्रा ले लो ना इसमें प्लीज यार, ऐसे क्यों करते हो? गॉन, इमेज इज गॉन। All that happiness from the last question just went puss, bro. भाई हम तो लाइफ में दूसरे मोमेंट्स के लिए जीते हैं भाई, इनर्शिया के लिए घंटा कोई जी रहा होगा यहाँ पे। यार सी, इनर्शिया पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो एट रेस्ट है। स्केलर, वेक्टर, ब्रो, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस इन माय लाइफ। व्हाट आर यू सेइंग? यू जस्ट मेकिंग अप वर्ड्स नाउ, ब्रो। टेंसर, फेजर, फेजर तो एक बाइक आती थी ना। आई एम ट्राइंग टू साउंड इंटेलिजेंट बट आई जस्ट रियलाइज मारना एंड में तुक्का ही पड़ेगा। स्केलर, सो इट इज स्केलर। आई विल जस्ट से वेक्टर, दैट्स ओनली
only one I've heard of, man. Now it's nothing to lose. ठीक है, मैं कुछ भी आंसर दूंगा. Tensor. It should be vector. तुक्का. Oh, कोई पढ़ाई काम नहीं करती, सिर्फ अक्कड़ बक्कड़ काम करता है. I'm telling you. मेरे को क्या पता? That depends on like your perception of reality, bro. All right, but light सबसे ज़्यादा fast travel करती है जब आप रात को कमरे में हो और मम्मी आपके कमरे की तरफ आए, एकदम से बंद करते हो, तुरंत travel करके वापस बल्ब के अंदर. Light travels at a speed of 3×10⁸. ये मैं cool बनने के लिए बोल रहा हूँ. I'm not that dumb. Yo, this is like exhausting, man. Like I feel like I'm running a like someone's running a marathon in my head. You know what I'm saying? Vacuum. I think vacuum. तो मेरे हिसाब से ग्लास में सबसे ज्यादा तेज ट्रैवल करती है लाइट. माय आंसर इज ग्लास, बिकॉज आई थिंक कैमरास में भी ग्लास इसलिए यूज होता है क्योंकि लाइट ट्रैवल अच्छी करती है ग्लास के साथ. आई विल जस्ट से हाइड्रोजन मैन, बिकॉज आई विल गो विद वैक्यूम. आई कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग, मेरे दो आंसर सही हो गए. हे भगवान, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था यार. Solar eclipse basically is when the when there is something black on the sun. ये क्या है भाई, ये बहुत confusing है. एक तो the moon does not lie वाला तो option ही गलत है, because it's the hips which don't lie. इस सारा सबको third wheeling करने का शौक है ना, यहाँ पे भैंस किया, दो लोग आपस में मिलते, तीसरा बीच में की बात है. वो अब बीच में आओ तो ग्रहण ही लगाओगे ना तुम उनकी जिंदगी में. अगर सन मून के आगे होगा तो पूरा दिन होगा, रात कैसे होगा फिर? क्या बोल रहा हूँ मैं? आई थिंक द फर्स्ट वन. द आंसर इज व्हेन द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ. ऑप्शन सी, मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन. मून इज कबाब में हड्डी. आई थिंक द अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून. मेरे को बहुत लोग हेट करेंगे ऐसा अगर मैं गलत हो गया इसमें. शिट. सोलर इक्लिप्स हैपेंस व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ. Did I win this one? Very bad experience as always with the physics. That's awesome, dude. I feel good. Sahi hai. This questionnaire started with a knot in my chest, but now I feel free. I feel happy. Yaar, no wonder physics itna fucked up. No wonder maine engineering nahi kiya. Hi guys! देखो, every action should have an equal and opposite reaction. तो हमने जब आपके लिए इतने सारे सवालों के जवाब दिए हैं, तो वीडियो को लाइक करके रिएक्ट तो कर दो यार. प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना. किसको? ओके, टेस्टेड को. खुश रहोगे भाई.